हेलो गाइस, हेलो दोस्तों। तो मैं मोहित कुमावत स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स पोडियम पर, जिसमें कि हम लोग अभी वर्तमान में क्वेश्चन डिस्कशन प्रैक्टिस करवा रहे हैं। जो भी हमारा चैप्टर ऑनगोइंग है क्लासेस में, उन पे हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करवा रहे हैं। जितने भी आपके डाउट्स होंगे उन सारे डाउट्स का क्लेरिफिकेशन यहाँ किया जा रहा है। आपका कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसका सोल्यूशन यहाँ पे लाइव अपलोड करूंगा। देखिए, हम यहाँ पर बिना टाइम गवाए हमारे क्वेश्चन का डिस्कशन चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो मैं लेने वाला हूँ, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन ये बोल रखा है कि आपके पास दो आइडेंटिकल सेल्स हैं, दो एक समान सेल हैं, आइडेंटिकल सेल्स हैं। आपके पास दो आइडेंटिकल सेल्स हैं, एक समान सेल है, जब उन्हें पैरेलल में कनेक्ट करो चाहे उन्हें आप सीरीज में कनेक्ट करो, या तो आप उसे श्रेणी क्रम में जोड़ दो चाहे आप उसे समांतर क्रम में जोड़ दो किसी दो ओम रेजिस्टेंस के साथ, तो वो हमेशा करंट सेम देते हैं। मतलब उनमें करंट जो होती है वो हमेशा सेम रहती है, आई सेम रहेगी, आई विल बी सेम। मतलब मेरे को ये बोल रखा है यहां पर एक सेल मैं मान लेता हूं ई, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है आर। ऐसे ही दूसरा सेल और है, मैंने उसका ईएमएफ मान लिया ई और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है आर। मैंने इनको दो ओम के किसी रेजिस्टेंस से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ा। एक बात बताइए, इसमें करंट कितनी जाएगी? सर अगर मैं यहां से करंट निकालना चाहूं तो करंट की वैल्यू जो आएगी वो आएगी, देखो ई और ई, जब दो बैटरीज पैरेलल में सीरीज में लगी होती है तो उनका ईएमएफ डबल हो जाता है, 2E हो गया, और उनका जो रेजिस्टेंस होगा वो भी डबल हो जाएगा, 2R हो जाएगा। तो सर यहां पे अगर मैं करंट निकालना चाहूं, करंट का फॉर्मूला होता है टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल ईएमएफ हो जाएगा 2E, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा देखो आर और आर, 2R, तो सर 2R प्लस 2 ओम। ऐसे ही मुझे वापस बोला गया है कि जब इनको सीरीज में, सीरीज की जगह अगर आप पैरेलल में जोड़ दो, तो सर ठीक है मैं इनको पैरेलल में जोड़ देता हूं, ये लो। तो जब दो सेलों को आप पैरेलल में जोड़ते हो, इसका ईएमएफ है ई, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, ईएमएफ है ई, इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, इनको पैरेलल के साथ दो ओम के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ दिया, तो मुझे बोला गया बताओ इसमें कितनी करंट आएगी। सर करंट उतनी ही है जितनी पहले थी, तो करंट की जो वैल्यू जाएगी वो जाएगी, देखो ई और ई पैरेलल में है, पोटेंशियल सेम रहेगा, तो सर ई और ई का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ई अपॉन रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस देखो दो ओम तो बाहर लगा हुआ है, प्लस आर और आर, आर बाई टू पैरेलल के अंदर हो गई है, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस आधा हो जाता है अगर इक्वल रेजिस्टेंस है। तो थोड़ा सोल्व करेंगे तो इसको एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये बन जाएगा 2, को एलसीएम लेके ऊपर जाओ ये बन जाएगा 4 प्लस आर, ये करंट और ये करंट सेम दे रखी है मेरे को, तो मैं अगर इन दोनों को इक्वल करूंगा तो फॉर्मूला आएगा सर देखो 2E अपॉन 2R प्लस 2 इक्वल्स टू ये वाली करंट 2E अपॉन 4 प्लस आर, 2E ने 2E को मार दिया, 2R ये मेरे पास बना 2R प्लस 2 इक्वल्स टू 4 प्लस आर, यहां से आर को उधर लेके आएंगे, 2 को उधर लेके जाएंगे, तो बन जाएगा R equals to 2 ohm। तो मेरे पास इसका जो आंसर आया है वो है 2 ohm आंसर है। तो सर 2 ohm कहां पर है? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर है। चलिए आगे वाले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। आगे वाले क्वेश्चन में हमको बोला गया है, चलिए इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखी हुई है, जिस क्वेश्चन में हिंदी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी मैं वहां पे हिंदी यूज नहीं करूंगा, मतलब हिंदी वाले सेक्शन नहीं लिखूंगा, मैं खुद उसको समझा दूंगा हिंदी के अंदर, क्योंकि यहां पर जो डिस्कशन चल रहा है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के विद्यार्थियों के लिए है। तो बिल्कुल बने रहिए मेरे साथ। सर एक प्रतिरोध R1, आपके पास एक प्रतिरोध है R1, किसी विद्युत स्रोत से जोड़ दिया जाता है, एक रेजिस्टेंस था R1, मैंने उसको V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है, जोड़ के देख लेते हैं। यहां पर मैंने एक रेजिस्टेंस जोड़ा, रेजिस्टेंस है R1, मैंने इसको एक V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया, सर ये V वोल्ट की बैटरी जोड़ दिया, इसमें करंट कितनी जाएगी? करंट जो जाएगी वो करंट आएगी I, I की वैल्यू जो होगी वो लिख सकते हैं हम V अपॉन R1। थोड़ा सा पेन की साइज हम छोटी कर लेते हैं जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। V अपॉन R1, ठीक है। तो सर इसमें अगर मैं पावर निकालना चाहूं तो इसकी जो पावर होगी वो P दे रखी है मेरे को, कि जब इसको R1 को V से जोड़ दिया जाता है तो पावर आती है P, तो पावर की वैल्यू हो जाएगी V स्क्वायर अपॉन R की जगह मैं इसको लिख सकता हूं I स्क्वायर इंटू R, ठीक है, I स्क्वायर इंटू R। अच्छा, जब मैंने इस R1 के साथ कोई दूसरा रेजिस्टेंस R2 जोड़ दिया, ठीक है, तो लो जोड़ के देख लेते हैं। सर यहां पर ये R1 है, इसके साथ आपने एक R2 रेजिस्टेंस जोड़ दिया, घर का ही तो काम है। तो सर लो वी वोल्ट की बैटरी, मैंने स्रोत को चेंज नहीं किया है, मैंने स्रोत मतलब सोर्स को चेंज नहीं किया है, सोर्स अभी भी V ही है। तो सर यहां पर जो करंट जाएगी, अब करंट कितनी जाएगी? उतनी ही करंट है कि चेंज हो गई। ऑब्वियसली अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ा है मतलब करंट गिर जाएगी, क्योंकि करंट जो होती है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होती है। तो सर यहां पर जो I डैश आएगी वो I डैश कितनी आएगी? सर V अपॉन R1 प्लस R2, सर करंट डिक्रीज हो गई, तो यहां पे जो नई करंट आई है I डैश वो किससे कम है? I से कम है। सोच के देखो वही करंट यहां जाएगी, मतलब I डैश ही यहां जाएगी, करंट कम हो गई, करंट डिक्रीज हो गई। अब डिक्रीज करंट अगर R1 में जा रही है, सोच के देखो यहां की जो पावर आएगी P डैश, कि मैं उसको लिख सकता हूं I डैश का स्क्वायर इंटू R1। अगर R1 तो सेम ही है, वहां भी R1 सेम ही था, वहां का रेजिस्टेंस भी R1 है, रेजिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, क्या चेंज हो गई? करंट डिक्रीज हो गई। और अगर करंट डिक्रीज हो गई
इसका मतलब पावर भी डिक्रीज हो गई, तो सर यहाँ की जो पी डैश आएगी वो पी से कम आएगी, तो सर यहाँ पे जो पावर है वो लेस देन पी रहेगी, पावर यहाँ की लेस देन पी रहेगी, पावर यहाँ की लेस देन पी रहेगी। अगर सर्किट में करंट गिर जाती है तो पावर भी गिर जाती है, ठीक है, क्योंकि पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर इंटू आर। मैंने पावर पूरे सर्किट की नहीं पूछी है, मैंने केवल आर वन की पावर पूछी है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, ऐसे ही अगले वाले क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। कोशिश करते रहिए, किसी ने क्या खूब कहा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ करे ही जय जयकार नहीं होती, ठीक है, तो कोशिश करते रहिए। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, इंसान हो इंसान की तरह बनो, ठीक है, संघर्ष को मत छोड़ो यार। जब तक तुम्हें अपना ड्रीम कॉलेज नहीं मिल जाता 3-4 साल तक मौज करना फिर वहां पर, ओके, एक बार ड्रीम कॉलेज में चले तो जाओ, उसके लिए तो अभी यार पसीने बहाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पर, आप लोगों के लिए डाउट्स वगैरह डिस्कस कर रहा हूँ, तो ठीक है, आप लोगों को भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग भी ढंग से मेहनत करें। चलिए बात करते हैं, इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि इन द सर्किट शोन द करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस विल बी, मुझे बोला गया है कि इस 2 ओम के रेजिस्टेंस में कितनी करंट जाएगी। मान लेते हैं कोई करंट यहाँ पे आ रही है आई, और वही उसका ही कुछ पार्ट जाएगा 2 ओम के अंदर, तो मान लेते हैं यहाँ गई आई वन, यहाँ गई आई टू। अच्छा, बेसिकली ये दोनों जो 3 ओम और 2 ओम है ये पैरेलल के अंदर है, और पैरेलल के अंदर मतलब समांतर क्रम में जो करंट होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है रेजिस्टेंस के, मतलब 1/r के प्रोपोर्शनल में होती है। तो ये आई वन और आई टू का जो रेशियो निकलेगा वो निकलेगा 1/2 रेशियो 1/3 रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में। तो सर यहाँ से अगर मेरे को तो आई वन निकालनी, मेरा आंसर तो आई वन है, तो ये आई वन इस आई का ही कुछ ना कुछ पार्ट है, तो अगर मैं आई वन निकालना चाहूँ तो आई वन के लिए थोड़ा सा रेशियो सोल्व कर लेते हैं पहले। तो सर रेशियो सोल्व करने के लिए मैं इसको थोड़ा सिंपल वे में लिख लेता हूँ कि अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर नीचे पूरे रेशियो को, तो ये बन जाएगा 3:2। तो अगर आई वन निकालना चाहूँगा तो आई आएगा, देखो 3 के अनुपात में है तो 3 आ जाएगा ऊपर, नीचे रेशियोज का सम आता है तो 3+2 5, और कितनी करंट बांटनी है आपको, आई बट रही है सर, आई का ही कुछ पार्ट जा रहा है इसके अंदर। तो मेरा आंसर बेसिकली ये है, अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आई निकाल लूँ, आई निकल गया तो आंसर आ जाएगा। सर देखो यहाँ पर ना ये 2 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर दे रखा है, और क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं बोला, और जब क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं बोला तो मैं ये मान के चलूंगा कि अभी जो टाइम हो रहा है वो इन्फिनिटी हो रहा है, मतलब मेरा कैपेसिटर जो है वो फुल्ली चार्ज है, और कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज होता है तो वो एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है, ओपन सर्किट की तरह, मतलब साला ये काम ही नहीं करेगा, और काम ही नहीं करेगा तो इसको रजिस्टर इसको यहां रखो ही मत, हटा दो इसको, और जैसे इसको यहां से हटा देंगे मतलब ये ओपन सर्किट बन गया, इसको यहां से हटाओ खत्म करो। तो ये रजिस्टर अगर मैंने इसको ओपन सर्किट बना दिया, ये ओपन सर्किट बन गया, तो ओपन सर्किट बनते ही तो इस 4 ओम में तो कोई करंट ही नहीं जाएगी, मतलब इसमें जाने वाली करंट हो गई 0। तो ये मतलब ये जो पूरी चीज है ये सर्किट में कनेक्टेड ही नहीं है, और जब कनेक्टेड ही नहीं है तो सर ये तो सिंपल सा सर्किट बनेगा कि ये एक 6 वोल्ट की बैटरी है, उसके आगे तुमने एक 2.8 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ रखा है, नीचे यहां पर तो ये ओपन सर्किट बन गया, टूट गया मामला, तो सर ये टूट गया मामला तो कुछ भी नहीं है। नीचे यहां पर 3 और 2 रेजिस्टेंस है, और 3 और 2 का पैरेलल कितना सोल्व होगा सर, 3 × 2 R1 R2 R1 R2 6/5 1.2, तो सर इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 1.2 ओम। तो मैं यहां लिख देता हूं ये एक और रेजिस्टेंस है 1.2 ओम, टोटल रेजिस्टेंस जो हो गया 1.2 प्लस 2.8 इक्वल्स टू 4 ओम रेजिस्टेंस। तो सर ये 4 ओम रेजिस्टेंस हो गया यहां पर, तो मेरे पास जो करंट जाएगी यहां पर और यही करंट यहां पर आएगी, तो आई की जो वैल्यू आई वो आई 6/4 3/2, इसका मतलब हुआ 1.5 एम्पीयर। मेरे पास इसमें जो जाने वाली करंट है टोटल वो है 1.5 एम्पीयर। तो लेकिन मेरे को तो 1.5 एम्पीयर का आंसर नहीं है, मुझे पूरी करंट नहीं निकालनी है, मुझे तो उसका एक पार्ट निकालना है जो 2 ओम में से जा रहा हो, ठीक है, मैं वो सोल्व कर चुका हूँ यहाँ पर, ये रहा। तो अगर आई वन की वैल्यू निकालना चाहोगे तो आई वन की वैल्यू आपके पास आएगी 3/5 × 1.5, 5 से कटेगा 3 टाइम्स तो 0.3, और 0.3 × 3 0.9 एम्पीयर, तो 0.9 एम्पीयर मेरा आंसर है, ये 4th ऑप्शन मेरा आंसर है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, छलांग लगाते हैं अगले क्वेश्चन पे छलांग लगाने के लिए दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोल रखा है इन दिस एडजॉइनिंग फिगर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, कि मतलब ए और बी जो पॉइंट है, ए और बी जो पॉइंट है उस ए और बी पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब साला ये ए पॉइंट है, मैं पेन ले लेता हूं एक बार, ये जो है वो ए पॉइंट है और ये है बी पॉइंट, तो मुझे ए और बी के बीच पोटेंशियल निकालना है। सोच के देख, अगर तुम्हें किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ये एक रेजिस्टेंस है आर, और इसके अंदर जाने वाली अगर आपको करंट पता लग जाए तो बताओ क्या मैं यहां का पोटेंशियल नहीं लिख सकता। अरे V इक्वल्स टू क्या होगा रे भाई साहब, I इंटू आर, अरे क्या होगा रे I इंटू आर, तो V इक्वल्स टू IR होता है सर। इसका मतलब बेसिकली मुझे इस
रेजिस्टेंस में 7 और 7 14 ओम है, इसमें जाने वाली करंट चाहिए। अब बेसिक सी बात है यार, देखिए एक बात ध्यान रखना हमेशा, जब भी तुम्हारे पास कोई बैटरी हो, ये कोई बैटरी है मान लेते हैं कि ये 5 वोल्ट की है, तो इस बैटरी के दोनों तरफ का पोटेंशियल डिफरेंस मैं मान सकता हूँ। मान सकने का मतलब ये है कि अगर ये 5 वोल्ट की है तो यहाँ होगा प्लस का 5 और यहाँ होगा 0। अब जरूरी नहीं कि प्लस 5 और 0 माने, हम कुछ भी मान सकते हैं। मैं एक तरफ मान सकता हूँ 10 तो एक तरफ मानना पड़ेगा 5। बेसिकली इसका और इसका दोनों का जो डिफरेंस है वो 5 वोल्ट आना चाहिए। और किस में से किसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, आपको याद होगा बड़े डंडे में से छोटे डंडे को सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब मुझे इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो प्लस 5 में से 0 जाएगा तो प्लस 5 बचेगा। ऐसे ही यहां पर भी ये 5 वोल्ट की बैटरी है, तो मैं इसके एक तरफ 5 वोल्ट मान लेता हूं, तो एक तरफ कितना हो गया 0 वोल्ट। तो सर मुझे पता लग गया कि ये 7, 7 और 7 टोटल रेजिस्टेंस जो है वो है 21, और 21 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 5 और 0, मतलब कि 5 वोल्ट। तो इसमें जो जाने वाली करंट हो जाएगी, वो करंट मैं निकाल लूं तो यहां से जो करंट आएगी आई, वो आएगी सर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 5 वोल्ट, तो 5/ रेजिस्टेंस कितना है 7, 7, 7, 21। तो सर ये करंट मेरे पास आ गई। अब जब करंट आ गई तो मुझे तो ए और बी बस यहां से यहां तक का ही पोटेंशियल निकालना है, तो यहां से यहां तक कितना रेजिस्टेंस है 14 ओम। तो यहां से यहां तक 14 ओम रेजिस्टेंस है ए और बी के बीच में, मैं इसको अलग बना लेता हूं। सर देखो ये ए है और इसके बीच में 14 ओम का रेजिस्टेंस है, और इसमें जो करंट जा रही है, क्योंकि यही तो करंट आगे जाके आगे मिलेगी, तो सर ये जो करंट है वो करंट है 5/21 एम्पियर। बेसिक सी बात है, अगर मुझे यहां का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो डेल्टा वी, तो डेल्टा वी इक्वल्स टू आई इन टू आर होता है। आई की वैल्यू दे रखी है 5/21, आर की वैल्यू है 14 ओम, 7 से काटेगा, 7 * 21 = 14, तो ये बन जाएगा 10/3 एम्पियर। लो जी 10/3 एम्पियर आ गया स्वाहा, तो 10/3 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे वाले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। आगे वाला जो क्वेश्चन है, अच्छा हाँ, ये जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं, इसकी जो पीडीएफ और पीपीटी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल फिजिक्स पोडियम पर, तो बिल्कुल आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारी पीडीएफ आपको वहीं मिलेगी। चलिए बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन की। आगे जो क्वेश्चन है, आगे वो क्वेश्चन है जिसमें ये रखा है द वैल्यू ऑफ करंट इन द 60 ओम रेजिस्टेंस इन द एडजोइनिंग सर्किट डायग्राम विल बी। बेसिक सा क्वेश्चन है, सिंपल लेवल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इतना सिंपल क्वेश्चन तो देखा ही नहीं होगा आपने। देखो इसमें क्या बोला गया है, ये जो 60 ओम का रेजिस्टेंस है ना रे भाई साहब, इसमें करंट निकालनी है। अब दिखाने को तो इतना बड़ा डायग्राम दिखा रखा है, अरे बाबा ये क्या डायग्राम बना दिया आपने, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इसमें कोई आर इक्विवेलेंट वगैरह नहीं निकालना, ये वही क्वेश्चन है, बेवकूफ बनाया बड़ा मजा आया। क्लास में याद करो मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, सर अगर मुझे 60 ओम में करंट निकालनी है, इसका मतलब मुझे इसके सिरों का पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए, और बेसिकली इसके सिरों का पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो इस बैटरी का पोटेंशियल है, क्योंकि इससे तो बैटरी जुड़ी हुई है ना यार। ये ऊपर वाला पूरा सर्किट, ये ऊपर वाला पूरा सर्किट, और ये नीचे वाला 60 ओम किस में है, पैरेलल के अंदर है, और पैरेलल में क्या सेम होता है पोटेंशियल, तो साला इसको भी क्या मिलेगा। देखो बैटरी की एक तरफ 3 मान लो, एक तरफ 0 मान लो, तो ये भी कितना 3 वोल्ट, ये भी कितना 0, तो मतलब 60 ओम के रेजिस्टेंस जो पोटेंशियल है वो है 3 वोल्ट का, तो लो करंट आ जाएगी आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर, वी की वैल्यू 3, आर की वैल्यू 60, 1/20 एम्पियर, 1/20 एम्पियर, तो 1/20 एम्पियर का मतलब हो गया 1/20 एम्पियर का मतलब हो गया 0.05, तो 0.05 एम्पियर, 0.05 एम्पियर। सिंपल लेवल क्वेश्चन है, कोई इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं थी, आसान क्वेश्चन है, आरपीएमटी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है आगे चलते हैं, इसको मैं सेव कर लेता हूं, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल फिजिक्स पोडियम पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए और सपोर्ट कीजिए, यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज कमेंट जरूर कीजिए कि आपको हमारा डिस्कशन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है चलिए आगे बात करते हैं, तो आगे वाला जो क्वेश्चन दे रखा है, आगे वाले क्वेश्चन में आपको बोल